हाय दोस्तों, मैं अनिल कुमार, संचालक अनिल आर्ट्स क्लासेस सीतामढ़ी। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि हम आपसे वादा किए थे कि आपके जो प्रतियोगी एग्जाम में क्या होते हैं कि ये जो क्षेत्रीय संगठन है इससे पूछे जाने वाले एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, इसी को हम ध्यान में रखते हुए आपके लिए क्या करते हैं कि क्षेत्रीय संगठन से जुड़े हुए हम वीडियो बनाते हैं। तो पिछला वीडियो जो मेरा था वो आपको क्या था कि आसियान से जुड़ा हुआ था, और आज का जो मेरा वीडियो है वो आपको सार्क से जुड़ा हुआ है। तो आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं कि ये सार्क आखिरकार है क्या। तो देखिये, ये जो सार्क है, तो सबसे पहले सार्क का पूर्ण रूप जानिए कि सार्क का पूर्ण रूप क्या होता है। तो सार्क का जो पूर्ण रूप होता है वो आपको साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन होता है, यानी कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। ठीक है, तो यहाँ से सार्क का पूर्ण रूप भी पूछा जाता है। तो आपको सबसे पहले सार्क का पूर्ण रूप याद रखना है। तो सार्क का पूर्ण रूप क्या होता है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, यानी कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, और इसी को शॉर्ट में आपको दक्षेश्वी कहा जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि सार्क का जो पूर्ण रूप होता है क्या होता है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, यानी कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। तो इस सार्क का जो गठन आया था, वो गठन जो हुआ था वो आपको 7 से 8 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था, लेकिन सार्क का विचार जो आया था वो आपको 1970 के दशक में ही आया था। ठीक है, आपको याद रखना है कि सार्क के ये जो स्थापना हुई थी इसका विचार सबसे पहले क्या हुआ था कि बांग्लादेश के जो राष्ट्रपति थे जियाउर रहमान, उन्हीं के विचार में सब्से पहले क्या हुआ था कि ये सार्क शब्द आया था। तो उन्होंने 1970 के दशक में सोचा कि दक्षिण एशिया के कुछ देशों को संगठित किया जाए और यहाँ के लोगों की जो जीवन शैली है उसमें सुधार किया जाए। इसी उद्देश्य से क्या हुआ था कि आपको सार्क का गठन हुआ था। तो सार्क का जो गठन हुआ था 7 से 8 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में, और सार्क का जो मुख्यालय है वो आपको काठमांडू में, और काठमांडू जो है नेपाल की राजधानी है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि सार्क का पूर्ण रूप क्या होगा, तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, यानी कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। और सार्क की जो स्थापना हुई थी आपको 7 से 8 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुई थी, इसका जो मुख्यालय है वो आपको काठमांडू में। ठीक है, आपको याद रखना है कि सार्क का जो मुख्यालय कहाँ है, तो आपको काठमांडू में है, जो कि नेपाल की राजधानी है। अब सार्क की जो राजभाषा है, यानी कि सार्क का जो भी कार्य होता है वो आपको किस भाषा में होता है, तो अंग्रेजी में होता है। यानी कि सार्क देशों का जो राजभाषा है वो आपको अंग्रेजी है, और आप जानते होंगे कि इंग्लिश जो है दुनिया का क्या है, एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। ठीक है, सार्क के जो महासचिव है अभी वो आपको एसाला रुवान बेरा कुन है, जो कि श्रीलंका के। तो कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि आपको सार्क के जो अभी वर्तमान महासचिव है वो कौन है, तो वो आपको एसाला रुवान बेरा कुन है, जो कि आपको श्रीलंका के। ठीक है, और खासकर आपको अब जो प्रतियोगी एग्जाम होते हैं उस प्रतियोगी एग्जाम में क्या होता है कि करेंट से संबंधित क्वेश्चनों में क्या होता है कि क्षेत्रीय संगठन से इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि सार्क के महासचिव अभी कौन है, तो एसाला रुवान बेरा कुन, जो कि श्रीलंका के। अब है कि सार्क में सदस्य देश है कितने, तो सार्क में जो सदस्य देश है वो आपको 8 है। ठीक है, याद रखना है कि सार्क में अभी जो सदस्य देश है वो कितने हैं, तो 8 है। लेकिन क्या था कि मूल में सार्क में जो सदस्य देश था वो आपको क्या था, 7 था, लेकिन इसका जो 8वां देश बना वो आपको अफगानिस्तान बना था आपको 2007 में। तो आपको यहाँ से याद रखना है कि अफगानिस्तान जो है सार्क का सदस्य देश कब बना था, तो 2007 में अफगानिस्तान जो है वो आपको सार्क का सदस्य देश बना था, लेकिन अफगानिस्तान के जुड़ने से पहले सार्क में जो सदस्य देश थे वो 7 थे। तो आइए सार्क देशों को हम कैसे याद रख सकते हैं कि सार्क के वो 8 सदस्य देश कौन कौन है, तो इसके लिए एक ट्रिक है, इस ट्रिक को आपको याद रखना है, श्री भाभू ने बाप का माल अफगानिस्तान को दे दिया। ठीक है, इस ट्रिक को आपको याद रखना है कि श्री भाभू ने बाप का माल अफगानिस्तान को दे दिया। तो देखिए, सी से क्या हो जाएगा, श्रीलंका, भ से हो जाएगा भारत, भू से भूटान, न से नेपाल, भ से बांग्लादेश, प से पाकिस्तान, माल से हो जाएगा मालदीव और अफगानिस्तान। तो इस प्रकार से सार्क में जो सदस्य देश है वो कितने हैं, तो आपको 8 है। देख लेते हैं एक बार गिनती करके, देखिए श्रीलंका 1, भारत 2, भूटान 3, नेपाल 4, बांग्लादेश 5, पाकिस्तान 6, मालदीव 7 और अफगानिस्तान 8। तो सार्क में सदस्य देश जो है वो आपको कितने हैं, तो आपको 8 हैं, और अफगानिस्तान जो जुड़ा था वो आपको 2007 में जुड़ा था। देखिए,
तो अफगानिस्तान जुड़ा था किस सम्मेलन में, तो जब सार्क का 14वां शिखर सम्मेलन आपको जब हो रहा था नई दिल्ली में, तो उसी में क्या हुआ था कि अफगानिस्तान जुड़ा था। तो देखिए सार्क का जो पहला सम्मेलन हुआ था वह तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था, ठीक है, लेकिन सार्क के जो सम्मेलन जो हुए है वह भारत में भी हुए। तो आइए भारत में कब कब हुआ है, तो सार्क का जो दूसरा सम्मेलन हुआ था 1986 में वो आपको बेंगलुरु में हुआ था, ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है कि सार्क का दूसरा सम्मेलन जो हुआ था कहाँ हुआ था, 1986 में बेंगलुरु में। उसके बाद भारत में आपको 1995 में सार्क का सम्मेलन जो हुआ था वो आपको नई दिल्ली में हुआ था, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ था कि 2007 में सार्क का सम्मेलन जो हुआ था वो भी आपको क्या हुआ था, नई दिल्ली में ही हुआ था। अब यहाँ पर देखिए कि 1986 में सार्क का सम्मेलन जब बेंगलुरु में हुआ था उस समय भारत के प्रधानमंत्री जो थे श्री राजीव गांधी थे। 1995 में सार्क का सम्मेलन जब नई दिल्ली में हुआ था उस समय भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। 2007 में जब सार्क सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ था उस समय भारत के प्रधानमंत्री जो थे वो आपको डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। और 2007 में सार्क का 14वां शिखर सम्मेलन हुआ था और इसी में अफगानिस्तान जो था सार्क का 8वां सदस्य बना था। तो इस प्रकार से सार्क में सदस्य देशों की जो संख्या है वो आपको कितनी है, तो 8 है, ठीक है, इस प्रकार से आपको याद रखना है। तो आइए थोड़ा सा इस टॉपिक को रिकॉल करते हैं, सार्क का पूर्ण रूप। सबसे पहले तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। सार्क की स्थापना कब हुई थी, तो 7 से 8 दिसंबर 1985 को। सार्क का मुख्यालय क्या है, तो आपको काठमांडू में। काठमांडू क्या है, तो नेपाल की राजधानी है। सार्क की राजभाषा क्या है, अंग्रेजी है। सार्क के जो महासचिव है वो कौन है, तो आपको एसाला रुवान बेरा कुने जो कि श्रीलंका के है। सार्क में सदस्य देश कितने हैं, तो 8 है। इस सदस्य देश को कैसे याद रख सकते हैं, तो इसके लिए एक ट्रिक है, श्री भाभू ने बाप कमाल अफगानिस्तान को दे दिया, तो सी से क्या आ जाएगा, श्रीलंका, भा से भारत, भू से भूटान, न से नेपाल, ब से बांग्लादेश, प से पाकिस्तान, का जो है साइलेंट में, ठीक है, माल, तो माल से हो जाएगा मालदीव और अफगानिस्तान। तो इस प्रकार से सार्क में सदस्य देशों की संख्या कितनी हो गई, तो आपको 8 हो गई। अफगानिस्तान कब जुड़ा था सार्क में, तो 2007 में। सार्क का सम्मेलन भारत में कब कब हुआ है, तो आपको 1986 में बेंगलुरु में, 1995 में नई दिल्ली में, 2007 में आपको नई दिल्ली में। लेकिन सार्क का जो 18वां शिखर सम्मेलन हुआ था, जो कि लास्ट शिखर सम्मेलन है अब तक का, क्योंकि आगे अब तक सार्क का सम्मेलन नहीं हो पाया है, तो सार्क का जो 18वां शिखर सम्मेलन हुआ था 2014 में वो आपको नेपाल में हुआ है, जबकि इसका 19वां शिखर सम्मेलन जो है वो आपको पाकिस्तान के इस्लामाबाद में 2016 में प्रस्तावित था, लेकिन उरी हमले के कारण क्या हुआ था कि सारे देशों ने, यानी कि सार्क के जो भी सदस्य देश है उसने क्या किया कि इस्लामाबाद में होने वाले जो सम्मेलन था सार्क का उसको बायकॉट कर दिया। इस वजह से क्या हुआ कि सार्क का जो अगला शिखर सम्मेलन था अब तक नहीं हो पाया, यानी कि इसका 19वां शिखर सम्मेलन आपको इस्लामाबाद में होना था, लेकिन क्या हुआ कि उरी हमला के कारण वो सम्मेलन स्थगित कर दिया गया। तब से लेकर अब तक सार्क का कोई भी सम्मेलन अब तक नहीं हुआ है। आइए अब हम बात करते हैं सार्क के जो प्रेक्षक देश है वह देश कौन कौन है, यानी कि सार्क की जो निगरानी करने वाले देश है वो कौन कौन है। तो इसमें आपको ऑस्ट्रेलिया हो गया, चीन हो गया, ईरान हो गया, जापान हो गया, दक्षिण कोरिया हो गया, म्यांमार हो गया, अमेरिका हो गया, मॉरिशस हो गया, और आपको यू हो गया। यू कहने का मतलब हुआ यूरोपीय यूनियन, यानी कि यूरोपीय संघ, ठीक है। तो ये जो 9 देश है वो आपको क्या है, सार्क के प्रेक्षक देश है, जबकि सार्क में सदस्य देश कितने हैं, तो वो आपको 8 है। अब आइए अब सार्क से क्या होता है कि बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं आपके कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं इसके क्षेत्रीय केंद्र को लेकर, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन सब जो है वो आपको इतना बार पूछा गया है कि इसके चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन क्या होते हैं कि ये चीजें जो है इससे बहुत सारे प्रश्न आपको सार्क से आते हैं। तो सबसे पहले आप जानिए कि सार्क का जो कृषि केंद्र है वो आपको कहाँ है, तो सार्क का जो कृषि केंद्र है वो आपको ढाका है, और ढाका कहाँ है, तो आपको बांग्लादेश में, ठीक है, इसको भी याद रखना है कि ढाका क्या है, तो बांग्लादेश की राजधानी है, और सार्क का जो कृषि केंद्र वो कहाँ है, तो ढाका में। इसके अलावा सार्क का जो तपेदिक केंद्र है वो आपको काठमांडू में, काठमांडू कहाँ है, तो आपको नेपाल में है। सार्क प्रलेख केंद्र जो है वो आपको नई दिल्ली, नई दिल्ली यानी भारत में है, ठीक है। सार्क का जो मौसम विज्ञान अनुसंधान केंद्र है वो आपको कहाँ है, ढाका में, और ढाका कहाँ है, तो बांग्लादेश में। सार्क का जो मानव संसाधन विकास केंद्र है वो आपको इस्लामाबाद में है, और इस्लामाबाद कहाँ है, तो आपको पाकिस्तान में, ठीक है, इस चीज को भी आपको याद रखना है कि इस्लामाबाद कहाँ है, तो पाकिस्तान में। सार्क का जो ऊर्जा केंद्र है वह भी आपको कहाँ है, इस्लामाबाद में, और इस्लामाबाद क्या है, तो पाकिस्तान की राजधानी है। सार्क का जो सांस्कृतिक केंद्र है वो आपको कैंडी में, कैंडी जो है श्रीलंका में, जो कि अभी प्रक्रियाधीन है, अभी इस पर काम ही चल रही है। सार्क का जो सूचना केंद्र है वो आपको नेपाल में है, ठीक है। दक्षिण एशिया विश्वविद्यालय जो है वो आपको भारत की राजधानी नई दिल्ली में है। सार्क का
कोस्टल जोन प्रबंधन केंद्र है वो आपको मालदीव में है। सार्क का जो डिजास्टर प्रबंधन केंद्र है यानी कि आपदा प्रबंधन केंद्र वो आपको भारत में है। और सार्क का जो फॉरेस्ट्री सेंटर है वो आपको भूटान में है। यह भी क्या है तो आपको प्रक्रियाधीन है। तो आइए इस टॉपिक को एक बार हम क्या करते हैं, रिकॉल करते हैं। तो सार्क कृषि केंद्र का है तो आपको ढाका में है। सार्क तपेदिक केंद्र का है तो काठमांडू में है। सार्क प्रलेख केंद्र का है तो नई दिल्ली में है। सार्क मौसम विज्ञान अनुसंधान केंद्र का है तो वह आपको ढाका में है। सार्क मानव संसाधन विकास केंद्र का है तो इस्लामाबाद में है। सार्क ऊर्जा केंद्र पूछेगा तो वह आपको कहाँ हो जाएगा, इस्लामाबाद। सार्क सांस्कृतिक केंद्र जो कि कैंडी में है और वह आपको क्या है तो प्रक्रिया धीन है यानी कि इस पे काम ही चल रही है। सार्क का सूचना केंद्र का है तो नेपाल में है। इसके बाद दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय का है तो आपको नई दिल्ली में है। सार्क का कोस्टल जोनल प्रबंधन केंद्र जो है वो आपको कहाँ है तो आपको मालदीव में है। सार्क का डिजास्टर प्रबंधन केंद्र जो है वो कहाँ है तो भारत में है। और सार्क फॉरेस्ट्री सेंटर जो है भूटान में भी निर्माण यानी कि प्रक्रिया धीन है। तो दोस्तों आज का जो है मेरा टॉपिक था वो आपको सार्क से संबंधित था और मुझे उम्मीद है कि इस टॉपिक को आप आसानी से समझ गए होंगे। अगर आपको इस टॉपिक में कहीं से किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम आपकी समस्या का हर संभव समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो यह आपको क्या है कि क्षेत्रीय संगठन से जुड़ा हुआ दूसरा वीडियो है जो कि आपको सार्क से है। इससे पहले जो हम पढ़ाए थे वो आपको आसियान पे पढ़ाए थे। तो अगर आपको वो वीडियो देखना हो तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे और क्षेत्रीय संगठन नाम से एक प्लेलिस्ट बनाया गया, आप उसमें जाकर क्या कर सकते हैं कि क्षेत्रीय संगठन से जुड़े हुए सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जब तक के लिए आप सबों से सुविधा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।